अस्सलाम वालेकुम, फॉर सेल पीके में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज आपके लिए चिंगान लुमिन कॉर्न के हवाले से छोटा सा रिव्यू लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे इस गाड़ी के फीचर्स के हवाले से और इस गाड़ी की एस्टिमेटेड प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाली है, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो जी, अपने रिव्यू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी की डायमेंशन के हवाले से। तो इस गाड़ी की जो लंबाई है 3270 मिलीमीटर है और चौड़ाई है 1700 मिलीमीटर। अगर हम हाइट की बात करें तो 1545 मिलीमीटर इस गाड़ी की हाइट है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी गाड़ी है और बहुत ही उम्दा लुक के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। अगर हम इस गाड़ी के वेरिएंट्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर दो वेरिएंट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर दो बैटरीज़ हैं, LFP बैटरीज़ हैं और जिनकी कैपेसिटी है 12.92 किलोवाट आर और दूसरे की है 17.65 किलोवाट आवर। और अगर हम बात करें इस गाड़ी की रेंज की तो 155 किलोमीटर से 210 किलोमीटर तक इस गाड़ी की रेंज दी गई है। और चिंगान की तरफ से ये भी कहना है कि जल्द ही वो एक ऐसा वेरिएंट लॉन्च करने जा रहे हैं जिस गाड़ी की जो रेंज होगी 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। और इस गाड़ी के अंदर आपको 30 किलोवाट की मोटर मिलती है और दूसरी मोटर आपको 35 किलोवाट की मिल जाती है, यानी कि 41 और 48 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस गाड़ी की लुक के हवाले से तो काफ़ी यूनिक लुक है। और सबसे पहले इसके अंदर आपको सर्कुलर LED हेडलाइट्स दी गई हैं और कंबाइनिंग सिलेंडर लाइंस हैं बॉडी के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी के अंदर फ्लोटिंग 10.25 इंच टच स्क्रीन दिया गया है, जिसके अंदर फ़ोन, म्यूज़िक, रेडियो, ऑटोमेटिक ड्राइविंग फंक्शंस और हैज़र्ड लाइट्स और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, एज़ वेल क्लाइमेट कंट्रोल ब्लॉक है, USB पोर्ट है और 12 वोल्ट का जो है वोल्ट का चार्जर भी दिया गया है। इंटीरियर ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत है, सीट्स वगैरह इसकी अगर आप देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल है और छोटी सी गाड़ी है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। और 5 पैसेंजर पाकिस्तान में तो इजीली इसके अंदर बैठेंगे, क्योंकि हम 4 गाड़ी के अंदर 5 बैठाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें इस गाड़ी के ट्रंक के हवाले से तो ट्रंक भी दी गई है और काफ़ी अच्छी स्पेस भी है। और इस गाड़ी की जो कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी दी जाएगी। और अगर हम बात करें इस गाड़ी की प्राइस के हवाले से तो इस गाड़ी की जो एस्टिमेटेड प्राइस है, अगर हमने कन्वर्ट करें पाकिस्तानी में, तो इसकी तकरीबन 9 से 10 लाख रुपया इसकी प्राइस बनती है। और ये इसकी एस्टिमेटेड प्राइस है जो कि हमने कन्वर्ट की है। और अगर हम बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की तो लाहौर में कुछ डीलर्स ने ये गाड़ी इम्पोर्ट करवाई है और वो ये इम्पोर्ट करके सेल भी कर रहे हैं। ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई लेकिन लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया गया है, तो उनकी प्राइस कुछ ज़्यादा हो सकती है। और ये था हमारा आज का छोटा सा रिव्यू, जो कि उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल फॉर सेल PK सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।